बिहार साहब के फॉर्म पे खड़ा हूँ। इन्होंने ये एच की 35 हरल सीट की लगाई है। एच 31 से मुंफरिद चीज नजर आ रही है। पौधों की हाइट देखें, ये पौधा हमारे हाथ पे तकरीबन 11.5 फुट हाइट है और इसके पत्ते की अगर चौड़ाई देखते हैं तो 4 इंच पत्ते की चौड़ाई है और अगर लंबाई देखते हैं तो ये 3 फुट से ज्यादा है। टांडा देखें कितना मोटा है और कम से कम टांडे की जो गुलाई है कि वो 4 इंच के बराबर है। पंजा देखें आप इसका किस कदर मजबूत है और तकरीबन 4.5 फुट के फासले पर आकर इसको छड़ी लगी है। दराज कद का है, चौड़े पत्तों वाला है और यकीनन हम कह सकते हैं कि ये 800 मन प्लस तक जितनी पौधों की तादाद है एक्सीलेंट जर्मिनेशन हुई हुई है। इस बारे में मजीद चौधरी साहब से पता करते हैं। चौधरी साहब आप इस H3131 के बारे में क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छी वैरायटी है माशाल्लाह, मैंने काफ़ी सारी वैरायटी पास की है सेल्स के लिए लेकिन इससे बेहतर मैंने किसी को नहीं पाया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये 700-800 मार्क की आएगी इसकी एवरेज। और मैं अपने दोस्तों को भी यही मशवरा दे रहा हूँ कि हरल सीड का H3131 ही काश्त करें ऐसे सैलेज के लिए। काफ़ी सारे मेरे और दोस्त भी हैं जिनके फॉर्म है वो भी मुझसे मुसलसल रबे में है क्योंकि उन्होंने स्पेशली कहा है कि हाँ मैं उनको ये सीड परचेज़ करके दूँ ताकि वो अपने लेडीज़ के लिए इसकी पैदावार में इजाफा कर सकें, मिल्क में इजाफा कर सकें। और इंशाल्लाह मैं फार्मर को भी ये तरजीह देता हूँ कि आप हरल सीड का H3131 काश्त करें क्योंकि इस टाइम के लिहाज से बहुत बेस्ट जा रहा है पैदावार के लिहाज से। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। और ये सारी मेहनत है हमारे RSM अब्दुल जब्बार साहब की। अब्दुल जब्बार साहब जी थैंक यू। ये देखें H3131 पर लगने वाली जो हमारा सैलिज के लिए है उसकी छली की पोजीशन है, माशाल्लाह दानों से भरी हुई है और ऊपर से नीचे तक कितनी लाइनें हैं इसके? अपने जवाब 16 लाइनें ना तकरीबन, हमने इसमें दाने गिने थे 40 दाने थे एक लाइन के अंदर। तो चौधरी साहब कैसे आप इसको देख रहे हैं? बहुत एडवांस है क्योंकि वाला सैलिज का अपना H3131 इंशाल्लाह हम बहुत मुकम्मल हैं। जितनी मैं तरीक कर लें वो कम है। शुक्रिया।